रही है तो कुछ नहीं है, उसके बाद हम लोग सुबह से लेकर शाम क्या बात है भैया, आप अकेले हैं? आज तो मुन्ना का बर्थडे है ना, ना हाथ में केक ना साथ में मुन्ना और भाभी। क्या बात है, आप चुप क्यों हैं? मुन्ना और भाभी नाराज है मुझसे। अरे पगले, ये कैसे हो सकता है? तेरी भाभी मुन्ना तुझसे नाराज हो सकते हैं? कोई बात तो जरूर है, वरना आज खुशी के मौके पर आपकी आंखों में आंसू। तू अपने मुन्ना से, अपनी भाभी से कितना प्यार करता है, यही सोचकर आंखों में आंसू भर आए। नहीं भैया, बात कुछ और है, मेरा दिल घबरा रहा भैया, आप मुझे उनके पास ले चलिए। अरे नहीं, ऐसा मत बोल, तू उनके पास नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता? तू मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहता है? तू भी उनकी तरह मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहता है? भैया अजीत, तेरा मुन्ना, तेरी भाभी, हम दोनों किस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए? चले गए हम दोनों को अकेला छोड़कर? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अरे पगले, उन दोनों की चिताएं जलाकर मैं तेरे सामने जिंदा खड़ा हूं? भैया मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं यहां नहीं रहूंगा। पागल हो गया है? अभी तेरा जख्म कच्चा है, टांके टूट गए तो कुछ भी हो सकता है। अरे भैया, जब जिंदगी के ही टांके टूट गए तो ये टांके संभाल के क्या करूंगा मैं? अजीत, पता चला भैया, क्या ये आपका हाल भाभी नहीं देखती होगी? क्या मुन्ना की आत्मा नहीं तड़पती होगी कि उसका बाबा 3 दिन से भूखा है? जिस तेरे ने हमारी सारी खुशी, हमारी जिंदगी बर्बाद की, वो अभी तक जिंदा है, और उसे खत्म करने के लिए हमारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। खाना खा लो भैया। भैया इन्होंने भी कुछ नहीं खाया। मेरे भाई की हालत हो गई, मैंने उफ तक नहीं की। प्रभु, तेरे सामने अपने इन हाथों से अपनी पत्नी, अपने दिल के टुकड़े की चिता को आग दी। मेरी जिंदगी भी चाहिए तो मार डाल मुझे, बस थोड़ी सी मोहलत और दे दे भगवान, मैं बदले की आग में चल रहा हूं। प्रभु, एक बार उस राक्षस का सामना करवा दे और मुझे इतनी शक्ति दे मालिक कि मैं उसका नाम उन्हें शान मिटा दूं, उसे खत्म कर दूं। भगवान मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे भगवान, मुझे शक्ति दे। जब मेरे आदमियों को नहीं मालूम तो अर्जुन सिंह को कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूं? यू आर राइट बॉस। खैर, वो लड़की जो हमारे हाथों से बच गई थी, वो हमारे बिस्तर की जीनत कब बनेगी? बॉस, वो लड़की अर्जुन सिंह के कब्जे में है और उसी के घर में रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे आदमी अर्जुन सिंह और पुलिस से डर गए। मुझे वो लड़की 24 घंटे के अंदर चाहिए। लड़की आपको मिल जाएगी सर। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसके जरिए सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।
तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही मिस्टर सिन्हा। इसमें समझने की क्या बात है, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि तुम्हारे बहन के कत्ल के राज की चाबी प्रीति ही है। तुम उसे मेरे बताए हुए पते पर ले आओ, वहां तुम्हें सबूत भी मिल जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ प्यार भी। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? इसमें चाल की क्या बात है, तुम भी तो प्रीति के साथ वहां रहोगे, क्या तुम्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं? ठीक है मिस्टर सिन्हा, मैं तुम्हारे बताए हुए उस जगह पर प्रीति को किसी कीमत पर भी लेकर पहुंच जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर वहां पहुंचने के बाद तुमने मेरी बहन के कत्ल का सबूत नहीं दिया या तुम्हारे इरादे गलत निकले तो मैं तुम्हें ऐसी बेदर्दी से मारूंगा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी लाश पहचानने से भी इनकार कर देंगे। ये हुई ना मर्दों वाली बात, ये लो अंगूठी। रीछा नाम का एक शख्स तुम्हारे साथ रहेगा जो इस अंगूठी का गुलाम है। ताकत तो उसमें हाथी की है लेकिन अक्ल चींटी से भी कम। लेकिन रीछा की मदद की जरूरत मुझे क्यों पड़ेगी? यू नेवर नो। आई एम सॉरी हेमंत, अर्जुन सिंह से पूछे बगैर मैं इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती। इसका मतलब है तुम भी नहीं चाहती कि मेरे बहन के कत्ल का राज मुझे मिल जाए? ये बात नहीं है हेमंत, तुमको खामखा ये गलत फहमी हो गई है कि अजीत तुम्हारी बहन का कातिल है। कुछ भी हो प्रीति, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। मैंने कह दिया ना, अर्जुन सिंह से पूछे बगैर मैं इस घर से बाहर नहीं जा सकती। क्या बात है हेमंत? प्रीति कहाँ जा रही हो? प्रीति को मैं ले जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस ले आऊंगा। प्रीति तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, प्रीति ऊपर जाओ, जाओ ऊपर। प्रीति मेरे साथ जाएगी, अगर तुम इसे सीधी तरह से नहीं जाने दोगे तो मैं इसे जबरदस्ती से ले जाऊंगा। तुम्हें कुछ नहीं हुआ।